नमस्कार। आज साहित्य कला सम्मान समारोह जरा कि डोगरी संस्था ते कुमार वियोगी मेमोरियल ट्रस्ट पास ऑर्गेनाइज किया जा करता है। इस वर्चुअल गोष्ठी च आदरजोग निवास सर और ललित मगोत्रा सर तो सारे का पता पता निघा स्वागत है। अस इस प्रोग्राम की शुरू करने हैं। सबने शा पहले हैं जिया कि अस सरस्वती माता की याद करने हैं। अस सुनने हैं अज सरस्वती वंदना सुश्री वंशिका जराल होरां कोला। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। आओ अस सारे सुनने हैं वंशिका जराल होरां कार्यक्रम की जी गरिमा ही बरकरार है। बेशक वर्चुअल गोष्ठी है तो मैं अपने पास डोगरी संस्था के पास कुमार वियोगी मेमोरियल ट्रस्ट के पास डॉक्टर के श्री निवासन का बड़ा बड़ा शुक्रिया अदा करनी है कि आज के प्रोग्राम च मैं अपनी कंसेंट दी कि आज मुख्य परौने ने इस कार्यक्रम से। बेशक वो जी गरिमा एक लाइव प्रोग्राम च होंगी है वो अस मिस नहीं करके जो ऑडियंस दिखा दी हो कि असें
कि जे आज इस कार्यक्रम च प्रोफेसर मुगोत्रा सडोल संसद प्रधान बैठे दे इस तो पहले कि वो विधिवत सारा स्वागत कर गए निवासन सर दा पर मैं थोड़ा जिहा अपना जो पूर्व योगी मेमोरियल ट्रस्ट है उसके बारे नहीं गल सुना कि 5 साल तो साढ़े डोगरी भाषा के वाधे विकास वास्तव की प्रमोशन वास्तव बड़ा काम करा दे जिया कि इन्हें साहित्य कला सम्मान शुरू किया था साहित्य कला सम्मान पिछले साल के शुरू हुआ तो पहला सम्मान जरा साढ़े स्वर्गीय छतरपाल होरें गी मिलिया अज अस इस समारोह च आदर योग साढ़े वेदराई होरें गी सम्मान दे रहे हैं प्रोसेस चलता रहो उस कोला पहले अस निक्की जी एक फिल्म है कुंवर योगी मेमोरियल ट्रस्ट उपर आओ अस उसी देखने Literature knows no barriers. Language knows no boundaries. The craft of a craftsman is unique. His ability to create a masterpiece is his own. He knows no rules. He makes them. He knows no horizon. He paints it. For he is the one who creates history, and his creation is immortal. Such an artist was born on September 4th, 1940. His contribution to the nation has been as immersive as his contribution to literature. कुंवर विजोगी जो है, वो स्वयं एक लेखक ही नहीं थे। उनके अंदर एक विचारधारा चलती थी। तो उन्होंने जब भी जो भी काम किया, बड़े लाइवली ढंग से किया, बड़े जीवंत तरीके से किया, और दिल खोल के किया। उनका एक-एक बंद Society and relationships ran into 238 verses. Ik tukda main roti manga sone gi ik nukkar ik pal manga muskane gi is dharti te upar pair ik manga rone gi gadwa ik sharab parchhaan de vich dullan darda ee hai ji kar With a humble attempt to resuscitate Dogri language, Kuvar Vyogi's contribution is priceless and timeless. Founded in his memory is the Kuvar Vyogi Memorial Trust that endeavors to promote and preserve the history of Dogri language through literature, art, culture, education, and innovation. A platform to give back to the roots what you gained from them. Taking inspiration from Kuvar Vyogi's belief that talent deserves to be nurtured and shared with the world, the Trust offers scholarships in the University of Jammu, Literary Award in association with Dogri Sanstha, and Talent and Innovation Award among other initiatives. Come, join the movement. Let's preserve our heritage. Let's protect our roots. Let's give back to the world the gift of Dogri. Ladies and gentlemen, welcome to Kuvar Vyogi Memorial Trust. बहुत-बहुत शुक्रिया कुंवर वियोगी मेमोरियल ट्रस्ट टीम कि आवाज सुसी कार्यक्रम थोड़ा आगे बढ़ाने हैं कि आज मैं सारे सुनाया कि सारे आज इस कार्यक्रम के मुख्य पुरोने ना डॉक्टर के श्रीनिवास राव साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी दिल्ली साहित्य अकादमी दिल्ली के सेक्रेटरी मैं आदरणीय प्रोफेसर ललित मुगोत्रा जी की रिक्वेस्ट करन प्रधान डोगरी संस्था दे कि वो विधिवत निवासन सर दा शुक्रिया अदा करन स्वागत करन ते कन्ने आज दे इस कार्यक्रम दे बारे थोड़ा जिहा दसन आदरणीय प्रोफेसर ललित मुगोत्रा विजय जी शुक्रिया नमस्कार नमस्कार देखो साडा आज दा सारा कार्यक्रम जेड़ा है वो डोगरी च है गलबात भी डोगरी च होनी है लेकिन अज दे साडे जेड़े मुख परौने ने उन्हें गी शायद डोगरी समझने च थोड़ी सहूलत नहीं हो है इसलिए मैं शुरू दी थोड़ी गलबात हिंदी च करन तुंदे ठीक सर आज के इस कार्यक्रम के
आदरणीय मुख्य अतिथि डॉक्टर के श्रीनिवास जी, जो साहित्य अकादमी न्यू दिल्ली के सेक्रेटरी हैं। सबसे पहले राव साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिल की गहराई। इसके बाद मैं स्वागत करना चाहूंगा, आज इनका सम्मान किया जाना है, श्री वेद राही जी का। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और मुंबई में हैं, तो उनका इस कार्यक्रम में स्वागत है। जैसा आप जानते हैं आज का, और जितने भी दर्शक और सुनने वाले हैं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सब का मैं दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ। आज जैसा आप जानते हैं, आज का कार्यक्रम एक सम्मान समारोह है। सम्मान समारोह है ये कुंवर वियोगी साहित्य कला पुरस्कार देने के लिए, और ये दूसरा पुरस्कार दिया जा रहा है, पहला दूसरा सम्मान दिया जा रहा है। पहला स्वर्गीय श्री छत्रपाल जी को दिया गया था पिछले साल, और इस बार का पुरस्कार डोगरी के जाने माने और सारी दुनिया में प्रसिद्ध जो डोगरी के लेखक हैं, श्री वेद राही जी को दिया जाएगा। वेद राही जी के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि उनके लिए जो प्रशस्ति पत्र बना है उसको पढ़ा जाना है, तो उसमें सब कुछ आ जाएगा कि उन्होंने क्या क्या किया और उनके उनकी जिंदगी में क्या क्या अचीवमेंट रही। कुंवर वियोगी मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से ये जो सम्मान है ये स्थापित किया गया है डोगरी संस्था के तत्वाधान में, और कुंवर वियोगी मेमोरियल ट्रस्ट जो है इसको बने हुए अभी 4-5 साल हुए, और इन्होंने इतना काम किया है इतने छोटे से अरसे में कि ये अभूतपूर्व है। और काम में किस्म किस्म के काम हैं, इन्होंने स्कॉलरशिप है बच्चों के लिए वो इंस्टीट्यूट की है, इन्होंने पुरस्कार इंस्टीट्यूट किए हैं, ये वर्कशॉप करवाते हैं, नाटक करवाते हैं, ड्रामे करवाते हैं, डांस के प्रोग्राम करवाते हैं, और इस किस्म के कला और साहित्य के संबंध में बहुत से कार्यक्रम करवाते हैं। बच्चों में लेखन की प्रतियोगिता भी करवाते हैं और कहानी प्रतियोगिता करवाते हैं। असल में बात यह है कि कार्यक्रम तो सब करवाते हैं, लेकिन इनके कार्यक्रमों की एक खासियत है, इनका हर कार्यक्रम जो है वो आने वाले समय के लिए एक बीजारोपण का काम करता है। हर कार्यक्रम में से आगे के कार्यक्रम निकलते हैं, हर कार्यक्रम कंटिन्यू रहने वाला कार्यक्रम होता है, और जिससे बच्चों में, लोगों में, नए लोगों में, नौजवानों में एक उत्साह बनता है। और इनका जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो है कि जो युवा हैं उनमें साहित्य के प्रति, इन जनरल साहित्य के प्रति, खास तौर से डोगरी साहित्य के प्रति, उनमें चेतना भी जागे और उनमें उत्साह भी जागे और उनमें पढ़ने और लिखने दोनों का शौक जागे। और इनका मंच सबके लिए खुला है, जिसमें जो भी प्रतिभा है वो आके इनके मंच का इस्तेमाल कर सकता है और उस पर कार्यक्रम कर सकता है। इसलिए इनके साथ काम करने का, मैं इनके एडवाइजरी कमेटी का मेंबर भी हूँ, उसका मुझे बहुत खुशी होती है। जहाँ तक डोगरी संस्था का प्रश्न है, आप तकरीबन सभी जानते हैं कि डोगरी संस्था जम्मू कश्मीर की सबसे पुरानी लिटरेरी और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसकी नींव 1944 में रखी गई। उसके बाद मैं इसकी हिस्ट्री में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन तब से लेकर आज तक डोगरी में जितने भी काम हुए, भाषा के संबंध में या साहित्य के संबंध में या कल्चर के संबंध में, उसमें डोगरी संस्था ने हमेशा नुमाया रोल अदा किया है, लीडरशिप का रोल अदा किया है। और आज डोगरी संस्था, आज डोगरी भाषा और साहित्य की जितनी भी हमारी अचीवमेंट्स हैं, उनके पीछे डोगरी संस्था का हाथ किसी ना किसी तरीके से रहा है। आज भी डोगरी संस्था 1944 की बनी हुई और आज 2020 में भी अपने पूरे जोर शोर से काम कर रही है, उसका एक प्रिंटिंग का पूरा सिस्टम है, और उसमें हमारी मैगजीन छपती हैं, हमारी किताबों का प्रकाशन होता है। इसके अलावा जो गोष्ठियां और जो कार्यक्रम और जो सेमिनार सिंपोजियम होते हैं वो तो होते ही हैं।
तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जिनको हमने पुरस्कार दिया जाना है उनके बारे में तो मैं बातचीत हमने एक प्रशस्ति पत्र पढ़ना है उसके लिए मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि डॉक्टर के श्रीनिवास राव जो साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी हैं उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम में आना स्वीकार करके हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। इसके लिए डॉक्टर साहब आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया और आपका एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूँ के लिए। विजय जी अब आप इस कार्यक्रम की बागडोर दोबारा संभाले और डोगरी में आ जाए। जी जी शुक्रिया सर। अच्छा मेरे से कोई चांस नहीं थी बोलने का। नहीं बोलो। फिर भी आई थिंक राव साहब थोड़ी बहुत डोगरी समझते हैं हमारी। डोगरी आप डोगरी में चलाइए मैं कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू सर। शुक्रिया सर। थैंक यू। बिफोर आई इनवाइट डॉक्टर प्रोफेसर मुगोत्रा टू प्रेजेंट अ साइटेशन टुडे साइटेशन मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमने एक वेदराई जी के ऊपर भी एक छोटी सी फिल्म रखी है ताकि थोड़ा सा देखने वाले लोग जान पाए उनके बारे में। तो उन आओ आज इस कार्यक्रम दे सर्वे सर्वा आज इस कार्यक्रम दी रौनक जिंदे पिछे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया अज का उनके पर बनी दी एक फिल्म है छोटी जी वो दिखने श्री आदर जो वेदराई उनके वेद राही उन फनकारों में से हैं जो फनून की मुख्तलिफ असनाफ में कामिल दस्तरस रखते हैं। अदब में उन्होंने बीसियों कहानियां और कई नॉवल तहरीर फरमाए हैं। कम से कम 25 फिल्मों की कहानियां स्क्रीन प्ले और मुकालमे लिखे हैं। छह फिल्मों की डायरेक्शन की है जिनमें दरार प्रेम पर्वत काली घटा काबिले जिक्र है। वेद राही ने दूरदर्शन के लिए 9 सीरियल लिखे और डायरेक्ट किए जिन्होंने मकबूलियत के नए रिकॉर्ड कायम किए। दूरदर्शन के मशहूर जमाना सीरियल गुल गुलशन गुलफाम के लिए इन्हें अपट्रॉन की तरफ से बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला। अदब में इनकी कहानियों के मजमू पर 1983 में इन्हें साहित्य अकादमी के इनाम से नवाजा गया। महाराष्ट्र सरकार की ओर से 1990 में महाराष्ट्र गौरव का अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है। वेद राही दूरदर्शन के लिए 5 टेलीफिल्में और 5 डॉक्यूमेंट्री फिल्में बना चुके हैं। इन्होंने एक फिल्म चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी इंडिया के लिए भी बनाई है। वेद राही फिल्म सेंसर बोर्ड के मेंबर भी रह चुके हैं। कुछ सालों के लिए वो फिल्म राइटर्स एसोसिएशन के ऑनरेरी जनरल सेक्रेटरी भी थे। वेद राही एक ऐसा फनकार जिसे जम्मू कश्मीर सरकार ने कई बार इनामात से सरफराज किया है। बहुत शुक्रिया टीम कौन भी योगी मेमोरियल ट्रस्ट। मैं बड़े आदर मान करना है प्रोफेसर ललित मुगोत्रा उन्हें रिक्वेस्ट करनी कि वो आइए साइटेशन प्रेजेंट करें। जी शुक्रिया विजया जी। श्री वेद राही डोगरी दे नामवर लेखक आलोचक अनुवादक फिल्म निर्माता ते निर्देशक डॉक्यूमेंट्री फिल्मा ते सीरियल निर्माता ते सबने छा उपर एक बेहतरीन इंसान श्री वेद राही और उस परिचय दे मोहताज नहीं। इंदा जन्म 22 मई 1933 की जम्मू कश्मीर च पत्रकारिता दे पितामह श्री मुल्क राज सराफ हुंदे घर हुआ जिन्हें 1924 ईस्वी च जम्मू कश्मीर च पहला उर्दू अखबार रणवीर कढ़ने का श्री गणेश कीता ते अपनी सेवाएं करने इस प्रदेश की पत्रकारिता दे खेतर च सगोफा। फलस्वरूप वेद राही हुंदे अंदर भी पढ़ने लिखने का गुण बचपन च मठोई पिया। वेद राही होरें डोगरी च उसलै लिखना शुरू किया जिसलै आधुनिक डोगरी साहित्य
मसा मुंडली ब्रेसा च हा ते अजे इस दे लेखन ते मुसलसल अगर अली इस दे लेखन ने मुसलसल रफ्तार नहीं ही पकड़ी दी छड़े इक्के दुक्के कहानी संग्रह या फिर दर्जन हारियां कविता गै प्रकाशित प्रकाशित रूप सामने आई दी ही डोगरी कवियों की कविता ते उन्दे जीवन ते कृतित्व उपर आधारित इंदी पुस्तक जगदियां जोतां बेशक फारसी लिपि च ही पर आलोचना दे खेतरा च पहली पुस्तक होने दा श्रेय रखदी है। डोगरी च वेदराई हुंदे त्रै कहानी संग्रह काले हथ आले ते क्रास फायरिंग सत उपन्यास हाड़ बेड़ी ते पत्तन दरेड़ त्रुटी दी डोर गर्भजून ललदित मंसूर ते शकीला दी दास्ताने इश्क ते अनंत दो नाटक धारें दे अथरू ते बोबो कदों आग ते त्रै कविता संग्रह चुप रही है प्रार्थना कर बट्टो तार ते पार ते इक गद्य कृति सोच संवेदनशीलता दी अथाह गहराई ते भावें विचारें दी उच्ची प्रवास कारण बेजोड़ मुकाम रखते। मौलिक लेखन दे इलावा इन्हें संकलन संपादन ते अनुवाद दे खेत्रें च भी काफी समृद्ध कीता। साहित्य सिरजना दे खेत्रा च इन्हें डोगरी दे इलावा हिंदी ते उर्दू भाषाएं च भी योगदान देइयै नामवरी हासिल कीती। साहित्य जगत दे कन्ने कन्ने वेदराई होरें फिल्म जगत च भी चेचा मुकाम हासिल कीता। हिंदी फीचर फिल्में दे पटकथा लेखन ते निर्देशन दे इलावा डाक्यूमेंट्री फिल्मां बनाने ते उंदे निर्देशन दे कन्ने कन्ने टैलीफिल्में दे निर्माण ते निर्देशन च भी चर्चने योग योगदान दिता। कश्मीरी हाजियें दे जीवन उपर आधारित इंदे टैली सीरियल गुल गुलशन गुलफाम दी मकबूलियत ने ना सिर्फ वेदराई होरें गी बल्कि समूलचे डुग्गर गी गौरवान्वित कीता। डोगरी इन्हें बोबो कदों आग हिम्मत नवा सुनहरा युग आया ते दीनू भाई पंत हुंदे जीवन ते कृतित्व उपर शार्ट डाक्यूमेंट्रियां बनाने च भी अपनी चतन सोच ते कला कौशल दा प्रमाण दिता। फलस्वरूप साहित्य जगत ते फिल्म जगत की इंदे योगदान की दिखदे होई इन्हें कई राष्ट्रीय ते रियासती सतह दे अवार्डें ते मान सम्मानें कन्ने नवाजिया गया है जिंदे च 1983 बरे दा साहित्य अकादमी पुरस्कार 1990 ईस्वी दा महाराष्ट्र गौरव अवार्ड रियासती कल्चरल अकैडमी दा 1971 बरे दा बेस्ट बुक अवार्ड ते इसै बरे हिंदी फीचर फिल्म पवित्र पापी गीता यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन दा बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड गुल गुलशन गुलफाम टीवी सीरियल लई बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड ललदेद उपन्यास उपर रियासती अकैडमी दा बेस्ट बुक अवार्ड सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदी दा 2011 बरे दा महापंडित राहुल सांकृत्यायन अवार्ड 2012 च बरे दा जम्मू कश्मीर रियासती सरकारा दा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड महाराष्ट्र सरकार दा राम मनोहर त्रिपाठी अखिल भारतीय हिंदी सेवा पुरस्कार ललदेद उपन्यास दे उर्दू अनुवाद लई 2015 बरे दा साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार ते फी एफएम चैनल पासिया साहित्य सेवा लई डुग्गर गौरव पुरस्कार कन्ने सम्मानिया गया ते 2018 बरे च दीनू भाई पंत मेमोरियल ट्रस्ट ते डोगरी संस्था जम्मू पासिया श्री वेद राई होरें गी दीनू भाई पंत मेमोरियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कन्ने सम्मानित कीता गया। अज कुंवर वियोगी मेमोरियल ट्रस्ट ते डोगरी संस्था जम्मू श्री वेद राई होरें गी उंदियें साहित्य ते कला दे खेत्रा च नमूलियें सेवाएं गी दिखदे होई 2020 बरे दे कुंवर वियोगी साहित्य कला सम्मान कन्ने सम्मानित करदे होई खुशी ते गर्व महसूस करा करदे। बहुत शुक्रिया सर। इस च कोई दो राय नहीं है कि अज वेदराई होरें सम्मानित करिए संस्था ते ट्रस्ट दोनों अपने आप की सम्मानित महसूस करा करदे ते साडे विच अज निवासन सर दा निवास अपने राव सर दा होना भी इस प्रोग्राम की गरिमा की चार चन्न ला दा। बेशक अज ताड़ी ते गड़गड़ाहट नहीं है वेदराई होर सुनगन कि उन्हें जा सम्मानस तैयार करने साइटिश 50,000 रुपया एक शॉल ते मोमेंटो ए उन्हें की बॉम्बे भजाई दिता जा ते मी लगदा कि ए खबर उन्दे तक पुजी दी होनी कि उन्हें ये चीजां पुजी जानियां साइटेशन उन्हें सुनी ली होनी उन्दे के विचार इस प्रोग्राम दे बारे च अज साइटेशन ते अपने सम्मानित होने दे मगरा आओ सुनने
डोगरी दे अलबेले शायर ते सोगे कहानीकार कुंवर वियोगी ने अपनी सानतें दी किताब पहलियां बांगां दी भूमिका च अपने कन्ने मेरी पहली मुलाकात दा जिक्र कीता दा। उन्हें लिखे दा है कि जदों उन्हें रेडियो स्टेशन उपर अपनी कविता भोली पढ़ी तो मैं उन्हें मिलने वास्ते उन्दे घर पुजा तो उन्दे कोला ओह कविता लिए मैं योजना पत्रिका च छापी। ये सच्ची गल लिखी दी उन्हें। उस समय उनकी उम्र 16-17 बरे ही ते मैं 24-25 साल दा हाँ। मैं उस जम्मू कश्मीर सरकार दे इनफॉर्मेशन डिपार्टमेंट दी हिंदी पत्रिका योजना दा संपादक हाँ ते ओ कविता उस पत्रिका च छापी है। अज 60 साल बाद उस प्रतिभावान कवि दी याद च बने दे ट्रस्ट ने मेरी सम्मानित कीता है। ये मेरे आस्ते बड़ी फखर वाली गल है। जिंदगी च कई हारी कुंवर वियोगी हुंदे कन्ने मेरी मुलाकात हुंदी रही। हर बारी उन्हें साहित्य बारे अपनी डूंगी समझदारी दी छाप मेरे मना पर पाई। वो उर्दू ते अंग्रेजी साहित्य कशा बड़े मुतासर है, फिर भी वो अपने लेखन च बेहद मौलिक है। वो सच्चे साहित्यकार है। उनके अंदाजे बयान च एक दिलकश बेसाख्तगी है। उनके एहसासें च एक धड़ल्ला पाना है जिहड़ा बिरले साहित्यकारें च हुंदा है। उनकी लंबी कविता घर ते 200 सानटां भरपूर जिंदगी का एक विशाल कोलाज बना दिया है। जिंदगी का कोई पहलू उनकी नज़र कशा बचेगा नहीं। वो हर पहलू दे हर पहलू की गुआड़ते हैं। उनका रूप गुआड़ यानी एस्थेटिक्स बेमिसाल है। सैनिक कवि ग्रुप कैप्टन रणधीर सिंह कुंवर वियोगी हुंदी सुयोग्य पुत्री श्रीमती पूनम जवाल की मैं शाबाश देना चाहना जिन्होंने अपने कवि पिता की याद में इस ट्रस्ट की स्थापना की। मुझे विश्वास है इस ट्रस्ट के अंतर्गत कुंवर वियोगी के संपूर्ण साहित्य की प्रकाशित किया जा कि उसकी परख पड़ताल का सिरिश्ता भी बने। मैं कुंवर वियोगी मेमोरियल ट्रस्ट ते डोगरी संस्था का आभारी हाँ जे उन्हें मेरी सम्मानित किया ते मेरी एक प्रिय कवि मित्र भी नमन करने का मौका दिता। चुप रहिए प्रार्थना कर तू भी परते सोना, चुप रहिए अथरू कहानियां सुना दे, चुप रहिए प्यार कर देने हथ चेता कर वो घड़िए जो जीव शब्द ने स्पर्श तुर दिए। किला भेद है जिसी अखियां ने खोल दिया, रंग ते खुशबू का परिचय उनकी खबोशी है। धरती क्या बोलती है वो धरती है, अंबर जानता है उसी सब जानते हैं। जे दरख्त भी बोलता तां कोयल चुप रही, घरे दिए कंधे कला पुछो सहना ते चुप रहना। चुप की पंछान उदी शक्ति जान, चुप एक कविता है सच्ची सुच्ची निष्कलंक निरपक्ष निरभाव। आखिरी पड़ा चाह मैं बड़े आदर मान करने अज के इस कार्यक्रम के मुख परौने डॉक्टर श्री निवास निवासन राव उन्हें रिक्वेस्ट करनी कि वो अज के इस कार्यक्रम अपना वक्तव्य दे। डॉक्टर के श्रीनिवास राव, थैंक यू विजया जी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय डीप ग्रेटिट्यूड टू कुंवर वियोगी मेमोरियल ट्रस्ट
for giving this opportunity to me to be here with all of you at this a prestigious Samman function. I'm privileged to be in the company of great scholar and writer like respected Ved Rahi ji, Lalit Mangotra ji, and others. Friends, India is a land of poetry since times immemorial. From the times of Samaveda to 21st century, India has produced countless poets in each language of the land and the exotic poetry in all the languages from a unique corpus of poetry that cannot be found anywhere. From the mainstream languages to oral and tribal ones, Indian languages and cultural traditions have produced immortal poetry through millennia. The sheer number of poems and songs composed in breathtaking, and if that is not sufficient, the number of genres and subjects these poems touch upon is mind-blowing. Sri Kuvar Viyogi belongs to the lineage of these immortal poets. Before going any further, the name Kuvar Viyogi always reminds me of what Swami Vivekananda and Sri Aurobindo said about perfect unison of strong body and creative mind. By virtue of being in the Air Force, Sri Kuvar Viyogi possessed a very strong body like a steel and extraordinarily creative mind. He is the perfect example of the vision of Swami Vivekananda for such unison, just like Plato's philosopher kings. Sri Kuvar Viyogi brought several new elements to Dogri language and literature, and one cannot miss Peliya Banga on this front. Well, this work not merely introduced European-style sonnet sequence to Dogri literature, but also showed the path for future poets and writers on how to overcome the barriers of language. No doubt, language is the repository of culture and literature, especially poetry, expresses it best, but language develops along with the community and the exposure to wider elements of nature and society. So often words can struggle to express those thoughts of the poet or author that are sitting on the edge of the mind and refuse to yield to any form of expression. Sri Kuvar Viyogi, just like Pudumai Pittan of Tamil, or Amritlal Nagar of Hindi, or Sri Sri of Telugu, to which I belong to, broke this barrier and laid the path for all future thinkers and poets in Dogri language. Ghar is something special to all human beings. Sri Kuvar Viyogi used home as a peg to address a wide range of issues in a very unique way, and deservedly won Sahitya Akademi Award for this remarkable work. Sri Kuvar Viyogi was not a selfish person and was always busy with showing the way for the upcoming poets and writers in Dogri language. Kuvar Viyogi Memorial Trust is carrying forward the legacy and aspirations of Sri Kuvar Viyogi by conferring several awards on the deserving writers of Dogri language. The awards of this nature inspires many young writer and budding poets. Sri Ved Rahi definitely deserves this award and much more. Sri Ved Rahi does not need any introduction and is one of the greatest modern day Dogri writers. His Academy Award winning Aale is probably finest collection of short stories and is highly relatable even today, though it was written 4 decades ago. I thank Kuvar Viyogi Memorial Trust once again for this opportunity, particularly Poonam ji, Lalit ji, and my best wishes to them in all their future endeavors. Thank you all. Thank you very much. Thank you, sir. On behalf of Vivek Indraji Gorlagini, Dogri Sanstha de Pasya, the Kuvar Viyogi Memorial Trust de Pasya, main Rao sir, thoda bada bada shukriya ada karni hai ki tusi sare is program ki aur garima pradan kiti. मैं वेद राही सर जी द्वारा एक बार मुबारक देनी, मैं जो कुंवर विजयोगी मेमोरियल ट्रस्ट की जो टीम है जिसने जिसकी वजह से कार्यक्रम संभव हो पाया, तो सारे का भी बड़ा बड़ा
धन्यवाद करनी है। प्रोग्राम ऑलमोस्ट खत्म है, अगर ललित सर कुछ आखना चाहन तो उनका स्वागत है। मैं सिर्फ इतना आखना चाहूँ, कार्यक्रम तो खत्म है। एक तो है कि राव साहब ने इतनी अच्छी गलबात की, बहुत सुंदर, और जो भी इन्हें गल्लां कीतियां, क्योंकि प्रोग्राम रिकॉर्ड हुई है, और मैं उम्मीद करना कि जड़ियां इन्हें गल्लां कीतियां इहदे उपर साढ़े सारे लेखक ते दूए भी सुनने वाले थोड़ा सोच विचार करंगन कि किन्नियां अच्छियां गल्लां इन्हें कीतियां, इनका बड़ा बड़ा शुक्रिया। दूई गल मैं जरूर करना चाहूँ कि अस अपनी शुभकामना दिंदे हां कुंवर वियोगी मैमोरियल ट्रस्ट की, कि जिस किस्म का काम करा दे इस काम की और अगे बधांदे रौह्न, और साड़ी शुभकामना भी इंदे कन्ने ते साड़ा पूरा साथ भी इंदे कन्ने। इस कुंवर वियोगी मैमोरियल ट्रस्ट के चेयरपर्सन श्री गोवर्धन सिंह जमवाल जी की देख रेख च, पूनम जमवाल जड़ियाँ इस दियाँ क्या करता तो इंदे दोनों दे मेल कन्ने जिस तरीके कन्ने ट्रस्ट काम करा करता है, रोज नवी नवी इनोवेशन करते हैं, नवे नवे ख्याल आते हैं, और ये जो पुरस्कार है ये जरा सम्मान है इन्हें सिर्फ लेखकें ते साहित्यकारें लिए नहीं रखिया, इन्हें साहित्य कला सम्मान कर दिता, जिद कोई कलाकार भी उसकी भी ये सम्मान मिली सकता है। और इस वास्ते मैं समझना कि ये जरा इन्हें पिरत पाई है इनामे की और कार्यक्रम कम्में की करने की, ये कन्नै साढ़ा डोगरी का भी बड़ा वाधा होग, साहित्य के बारे च भी लोगों के दिल च रुचि जागग, और ये कन्नै गै मैं शुक्रिया भी कर दिना सारे का, राव साहब का खास तौर उपर, विजय जी तुंदा इस प्रोग्राम की। सर एक कपलेट पढ़नी आ की जी, को जी जी कोविड छाया दा जो पासा है ते चार लाइना मैं प्रस्तुत करनी आ कि अज रात कल दिन भी होना रोना कैसी, अज रात कल दिन भी होना रोना कैसी, जीवन की एक बोझ बनाई है ढोना कैसी, हो सकता तो नेरे चिक दिया बालो, जिहां अज दा कार्यक्रम होया हो सकता तो नेरे चिक दिया बालो, इन्हेर मनेरे दे चर्चे पलमूना कैसी। वाह 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 विजय जी, ये करने के अपने प्रोग्राम का समापन कर। नमस्कार नमस्कार सर, सारे नमस्ते, सारे जो सुनने वाले हैं उन्हें सारे नमस्ते, सारे नमस्कार, थैंक यू सर। लड़क पानी च जवानी च अधेड़ उमरी बेले भी सचजे मेहनती राई ने तेरी डगर नहीं छोड़ी, लिखारी नामी है ओ उर्दू दा उन्ना एले भी तेरे ने बालहाना प्यार कीता है अजे तोड़ी, अति मसरूफ उंदे होई भी तुकी भुलाया नहीं ते उसकी तेरी लचकीली ते प्यारी टोर नहीं भुली, मखीरी चेता तेरा उन्ना रत्ती भी मसाया नहीं ते रत्ती लड़क पानी च पीती दी शराब नहीं उली, ओ फिल्में इच ते पैसे इच ब्याजे इच बपारा इच बड़ा मशगूल है धन है ओदी वफादारी, कोई भी फर्क नहीं आया उदे बेलाग प्यारे च बड़े अच्छे तरीके ने निभांदा आया है यारी, स्वातमशील वेदना तखलस राई है ओदा अति गली में जिड़रा सुनाका डोगरा जोदा।